Assalamualaikum to everyone. मैं कि आज आप लोगों के लिए मैंने सोशल साइंस का एक प्रोजेक्ट लाया है जो कि मैंने और मेरे स्टूडेंट्स ने तैयार किया है। काफी ज्यादा मेहनत के बाद हम लोगों ने ये प्रोजेक्ट तैयार किया है सोशल साइंस के, और ये हमने इस बार जियोग्राफी का प्रोजेक्ट चुना है। जियो में एक लेसन है, उसी पे हम लोगों ने प्रोजेक्ट तैयार किया है। एक तो उन लोगों ने प्रोजेक्ट तैयार किया है और साथ साथ उन लोगों का वो पूरा चैप्टर जो है ना वो दिमाग में आ गया है, वो सब आपको देखने को मिलेगा इसी वीडियो में। आप बने रहिए। आप देखिए यहाँ पे जो आप देख रहे हो यहाँ पे प्रोजेक्ट, ये जियोग्राफी का एक चैप्टर है क्लास 9th में, मेजर लैंड फॉर्म्स इन इंडिया। और इसमें आप देख, अगर आप देखोगे यहाँ पे इस मैप पे मैंने पूरी तरह से दिखा दिया। यहाँ देखिए जम्मू कश्मीर का रीजन है, इसको हमने ग्रीनरी से दिखा दिया। यहाँ इंडिया का जो नॉर्दर्न पार्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हो हिमालयस। आप लोगों ने पढ़े होंगे कि इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में, नॉर्थ ईस्ट में हिमालयस है। तो ये देखिए आप, ये जो माउंटेन्स हमने यहाँ लगा दिए सारे हिमालयस है। अब आप हैरान होंगे कि यहाँ पे जो ये व्हाइट कलर के माउंटेन्स है ये क्यों है। बेटा असल में बात यह है, आप लोगों ने हजार बार पढ़ा होगा कि यहाँ पे हिमालय जो है, जो उसका अपर रेंज है हिमाद्री, वो ग्लेशियर्स है, वहां पे स्नो कवर्ड माउंटेन्स है, माउंट एवरेस्ट यहाँ पे, इसलिए हमने व्हाइट कलर के दिखाए यहाँ पे माउंटेन्स। इसके बाद अगर आप नीचे जाओगे यहाँ ग्रास थोड़ा सा है। दिस शोज नॉर्दर्न प्लेन बिकॉज यू नो नॉर्दर्न प्लेन इज वेरी मच फर्टाइल लैंड। अगर आप यहाँ जाओगे बेटा, यहाँ देखोगे वेस्ट में, इंडिया के वेस्ट में यहाँ पे मैंने दिखा दिया डेजर्ट, जो इंडिया का डेजर्ट है थार डेजर्ट, तो ये हमने दिखा दिया। उसके बाद ये गुजरात का इलाका है। अब आगे देखिए ये जो ये पूरा इलाका है, ये सारा डेक्कन, ये इंडियन पेनिनसुला, इंडियन पेनिनसुला प्लेटो है। इसको दो पार्ट्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा डिवाइडेड है, एक तो है सेंट्रल हाईलैंड और ये वाला है डेक्कन प्लेटो। तो इसीलिए हमने दो यहाँ पे इसको कलर्स में डिनोट किया है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, वो ये है कि देखिए इस साइड में मैंने माउंटेन रेंज बना दिया कंटिन्यू, कोई गैप नहीं छोड़ी है। यहाँ पे भी माउंटेन्स बना दिया हमने, कोई यहाँ पे गैप छोड़े हैं। मसला क्या है कि आप लोगों ने पढ़ा होगा ये दीज आर वेस्टर्न घाट्स, इन्हीं को वेस्टर्न घाट्स कहते हैं, और इनका हाईएस्ट पीक यहाँ है, ये अनायमुडी है, ये अनायमुडी है। तो वेस्टर्न घाट्स का सबसे हाईएस्ट पीक है अनायमुडी। इसी तरह से अगर ईस्टर्न घाट्स की बात करें, ये डाइसेक्टेड है, बीच में इनको गैप्स है। गैप्स क्यों है, क्योंकि यहाँ वेस्टर्न घाट्स से रिवर्स आते हैं और यहाँ की तरफ जाते हैं। ये देखो यहाँ से रिवर आ रहा है, यहाँ की तरफ जा रहा है, क्योंकि बीच में गैप्स है। तो ईस्टर्न घाट्स में गैप्स है, ये भी माउंटेन्स है लेकिन बीच में इनको कट है, डाइसेक्टेड है। और ईस्टर्न घाट में सबसे बड़ा माउंटेन यहाँ है, सबसे बड़ा पीक यहाँ है, जिसको आप बोलते हो महेंद्रगिरी हिल्स। इसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ, देखो ये कोस्टल, ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है ये वाला, और इसको हमने येलो कलर से दिखा दिया। ये बहुत ही नैरो है, तंग है। अगर हम ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की बात करेंगे, ये वाइड है, यहाँ डेल्टास बनते हैं, और हमने कोशिश बहुत अच्छी की है कि इसको हम डेल्टा यहाँ पे रिप्रेजेंट करें, और ये बहुत ही वाइड है। इसके बाद हमने यहाँ पे आइलैंड ग्रुप्स भी बना दिए, जैसे अंडमान निकोबार है, और उसके बाद हमने यहाँ पे लक्षद्वीप भी बना दिया है। और ये पूरा जो है, ये जो दिख रहा है आप कलर, दीज आर द वाटर बॉडीज दैट आर टुवर्ड द साउथ ऑफ द इंडिया। ये देखो ये यहाँ पे अरेबियन सी है, ये यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, और नीचे आपको दिख रहा होगा इंडियन ओशन पूरा। देखो पूरा ये जो ऊपर वाला एरिया आप देख रहे हो, इसको अलग से कलर हमने किया है। व्हाई देयर इज डिफरेंट कलर, द रीजन बिहाइंड इज देयर इज नॉट अ वाटर बॉडी टुवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ द इंडिया, यहाँ कोई समंदर नहीं है इसके आसपास, इसलिए हमने यहाँ पे और एक कलर से दिखा दिया। तो बाकी नीचे वाला एरिया इसको हमने ब्लू कलर से दिखा दिया, ताकि पता चले कि हाँ यहाँ पे वाटर बॉडीज है, यहाँ ओशियंस है। और ये पूरा जो इंडिया का मैप है, इसमें हमने डिफरेंट लैंड का वो बना दिए, वो देखिए वहां से, ये इंडिया का ईस्ट वाला साइड है, ईस्ट वाला साइड, वहां पे भी माउंटेन्स है, जिनको आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, छोटे छोटे क्लास में पढ़ा होगा, उन वाले माउंटेन्स को बोलते हैं पूर्वांचल। दीज आर ऑल्सो पार्ट ऑफ हिमालयस, लेकिन उनको बोलते हैं पूर्वांचल। तो हमने ये थोड़ी सी कोशिश की है कि बच्चों को हम दिखाए प्रैक्टिकल वे में कि डिफरेंट लैंडफॉर्म जो इंडिया के है वो कैसे होते हैं। ये प्रोजेक्ट बनाने का मकसद यही है कि आप जो भी पढ़ोगे ना, उसको एक प्रैक्टिकल शेप दो आप, ताकि पूरी की पूरी बात दिमाग में आ जाए। तो बाकी थैंक यू, सपोर्ट करते रहिए, आपका सपोर्ट मुझे ज्यादा जरूरत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।